अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और क्लास। और अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी लेकर आ रहा हूँ क्लासेस। सो आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे रेट स्ट्रेच टूल एंड स्पीड एंड ड्यूरेशन के कुछ ऑप्शंस, यानी आप अपनी वीडियो को किस तरह से स्लो मोशन या फास्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो पिछली क्लास में जैसे आप लोगों ने देखा था कि हमने रोलिंग रिपल एडिट और रोलिंग एडिट टूल देखा था, इसी के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है रेट स्ट्रेच टूल। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक वीडियो क्लिप रखा हुआ है जिसमें ये बंदा स्किपिंग कर रहा है, रोप स्किप कर रहा है, एंड मैं इसको नॉर्मल स्पीड में आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। दिस इज दिस वीडियो, ये पूरे लेंथ की वीडियो मैं एज इट इज़ यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी स्लो हो जाए। नाउ एक चीज़ देखें, ऊपर आपकी जो ये वीडियो है ये तकरीबन यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स एंड 26 फ्रेम्स, ठीक है। ये जो रेट स्ट्रेच टूल है इसको पकड़ के आपने सिंपली वीडियो के एंड पे आना है और ड्रैग करना है। मतलब अब आप ड्रैग करके ये बता रहे हैं कि कितने देर तक ये वीडियो चलने वाली है। सो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आ गया, तकरीबन 31 सेकंड्स तक। यानी ओवरऑल अगर आप देखें इसी जगह पर लेफ्ट साइड पे इसकी एक ये दिखा रहा है कि कितना मैंने स्ट्रेच किया है और ओवरऑल ड्यूरेशन अब कितनी हो चुकी है। ये दोनों आपके पास जो मैं कर्सर के साथ ही आप देख रहे हैं, वैल्यूज़ आपको दिख रही है। एंड लेट्स से मैं इसको 32 सेकंड्स तक ला के छोड़ रहा हूँ। अब अगर मैं इसको प्लेबैक करता हूँ, मैं सिंपली अपना स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, देखेंगे हो चुकी है स्लो। नाउ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यूजुअली स्लो मोशन वीडियोज़ जो होती हैं वो आपके कैमरे का सबसे बड़ा काम होता है। अगर आपके कैमरे में ऑप्शन है कि आप हाई फ्रेम रेट पर वीडियो शूट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये कैनन का जो कैमरा है ये मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे जा सकता है और 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे ये शूट करेगा। और जब मैं इसको अपनी टाइमलाइन पर ला कर रखूँगा लाइक 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली या 25 फ्रेम्स पर सेकंड वाली, तो मेरे पास डेटा ज़्यादा होगा स्ट्रेच करने के लिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत स्मूथ सा आपको स्लो मोशन दे रहा होगा। सो एक चीज़ और कि अगर आप ये चीज़ इसके थ्रू नहीं करना चाह रहे, मतलब रेट स्ट्रेच के थ्रू नहीं करना चाह रहे, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप सिंपली राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 17.45 स्पीड। अगर मैं इसकी स्पीड 100 कर दूँ, राइट, दैट मीन्स कि मैं इसको नॉर्मल स्पीड पर ले आऊँगा दोबारा से, ठीक है। चेक करें, ये आपकी नॉर्मल स्पीड आ चुकी। आप चाहें तो यहीं से इसको मज़ीद स्लो मोशन कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं इसको 200% करूँगा तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वीडियो क्लिप और छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स कि 8 सेकंड का जो काम था वो अब 4 सेकंड में पूरा हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ एक चीज़ इसी के अंदर स्पीड एंड ड्यूरेशन के अंदर आपके पास एक तो यहाँ टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कितने टाइम तक लेके जाना है, यहाँ से और आसान रहता है। सो यूजुअली कई मरतबा ऐसा होता है कि हम रेट स्ट्रेच तो करते ही हैं, हम सही मानों में अगर हमें वैल्यूज़ चाहिए तो हम इस स्पीड एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये आया कहाँ से? ये सिंपली आपने अपनी वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक किया एंड स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं 200 करूँगा तो ये फास्ट हो जाएगा, अगर मैं 50 करूँगा तो ये 50% स्पीड पे आ जाएगा, मतलब 50% स्पीड जो आपकी 100% स्पीड है उसे डेफिनेटली स्लो होगा ये। ऑलराइट, नाउ इसी के अंदर एक और बड़ा मज़ेदार सा फीचर है स्पीड एंड ड्यूरेशन में। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये रेट स्ट्रेच के ही थ्रू आप कम भी कर सकते हैं, यानी फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और मज़ेदार सी चीज़ इसमें यह है कि आप अपनी वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो लेट सपोज कि मैं यहाँ से कोई और वीडियो ले आता हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि हो क्या रहा है। सो यस, ये वाली एक वीडियो क्लिप है जिसमें ये बंदा रोप पर क्लाइंबिंग कर रहा है एंड बाद में ये रोप पर से नीचे उतर के आएगा। सो ये ऊपर जा रहा है एंड अब ये नीचे आ रहा है। मैं इसका नीचे आने वाला क्लिप नहीं ले रहा, मैं सिंपली इसका ऊपर जाने वाला क्लिप यूज़ करूँगा। दैट्स इट, यहाँ तक मैंने यहाँ से इसको ट्रिम किया और मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। नाउ अब अगर आप देखें तो ये, बल्कि मैं अगर इस वीडियो को हटाई दूँ, खाली इसी को देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट पे लेकर आ रहा हूँ एंड चेक दिस, ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऊपर के बजाय नीचे आना शुरू हो जाए। सो अगर मैं इस पर सिंपली वीडियो पर राइट क्लिक करूँ, स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाऊँ और यहाँ से
रिवर्स स्पीड कर दूं बस, ठीक है, ओके करें। तो अब आप देखें क्या हो रहा है, तो ये उल्टी वीडियो चल रही है। एंड अब अगर आप इसको उल्टी में ही यानी कि रिवर्स में ही स्लो करना चाह रहे हैं तो यहां से 50% कर दें, ये अब आपको नीचे आता हुआ दिखेगा लेकिन स्लो में। सो दैट्स इट, आई बिलीव आप लोगों को ये रेट स्ट्रेच एंड स्पीड एंड ड्यूरेशन समझ में भी आया होगा, और आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।